इस वक्त जो पाकिस्तान का बजट है और मैं समझती हूँ कि बेशतर दुनिया के बजट यही होंगे कि ये बाबूज की एक्सरसाइज है। ये बाबूज जो है मेल कंजर्वेटिव बाबूज चंद कमरों में बैठकर और ये नंबर क्रंचिंग करते हैं और कुछ हद तक ऑफ कोर्स हुकूमत वक्त और काबीना का इसमें अमल दखल होता है इन द सेंस दैट दे अप्रूव इट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गोइंग इनटू डिटेल्स उसमें जो जेंडर रिस्पॉन्सिव की जहाँ हम बात करते हैं कि जेंडर रिस्पॉन्सिव मीन्स कि उस बजट में इक्विटी हो, उसमें समाजी जो है वो इंसाफ हो और इसमें, और फिर वो उसी वक्त मुमकिन है जब आपके सब सेक्टर्स जो हैं उनकी शमूलियत हो, न सिर्फ बजट के कंटेंट में और सब्सटैंटिवली लेकिन उस प्रोसेस में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। और मैं समझती हूँ कि इसको हम एक नैरो इंटरप्रिटेशन जो है कि उसमें ख्वातीन के ऊपर प्रोजेक्ट्स आया है या नहीं है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर है या नहीं, इससे बढ़कर इस बजट मेकिंग की प्रोसेस कितनी जमहूरी है, कितना पब्लिक उससे जो है वो लिंक करती है और हुकूमत वक्त की क्या वो पॉलिसी की अक्कासी करता है। देखिए, सबसे पहले तो बुनियाद ये है कि बजट मेकिंग प्रोसेस कितनी ट्रांसपेरेंट है। इस वक्त तो वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मुझे एडमिट करना पड़ेगा। सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, माजी की भी गवर्नमेंट्स में हम अपोजिशन में होते थे तब भी यही चीखते थे कि भाई पार्लियामेंट को रोल दें। पाकिस्तान में तो ये फर्स्ट टाइम है, हमने लास्ट ईयर आफ्टर द बजट हमने बाकायदा अपने वीमेन पार्लियामेंटेरियन को जेंडर बजटिंग के हवाले से कई वर्कशॉप्स कराई और उन्हें बताया कि हम बजट जब पेश होता है तो आपको मालूम है कि ज़्यादातर बजट साजी में, पॉलिसी साजी में मेल जो है वो डोमिनेट होते हैं और ख़वातीन की शिरकत के बगैर आप कहीं भी तरक्की नहीं कर सकते। मोस्टली ये होता है कि ख़वातीन के ज़ेर इस्तेमाल अशिया पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है और उसे पुरतायुश अशिया में शुमार किया जाता है, हालांकि वो हमारी नेसेसरी बहुत ज़रूरत होती हैं। और ये हमने जब इसको बाकायदा इस पर स्टडी की और उसके बाद जब हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर रिकमेंडेशन गई तो हमारी वीमेन पार्लियामेंटेरियन ने इस इशूज़ को बहुत हाईलाइट किया और उस यही वजह है कि फ़र्स्ट टाइम हमें आफ्टर द 2013 नाउ अब हमें जो है डेवलपमेंट स्कीम्स जो है ख़वातीन को जमा कराने के लिए दी गई और इस बजट में रखा गया उनका हिस्सा। और साथ ही जो है ख़वातीन के ज़ेर इस्तेमाल जो सैनिटरी आइटम्स होते हैं उनके रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स जो है वो ख़त्म किया गया और वीमेन यूनिवर्सिटी स्पेशली जो हमारी गर्ल्स एजुकेशन है उस पर तवज्जो देते हुए ज़्यादा फंड जो है एजुकेशन पर रखा गया। और फिर हमारी जो बच्चियाँ हैं बाइक चलाती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी और अपने इदारों में जाती हैं उनके लिए बाइक्स रखी गई, तो ये मैं समझती हूँ बड़ी खुशाइंद बात है।